दोस्तों खेल के दौरान हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डीन एल्गर भारतीय टीम और गेंदबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। डीन एल्गर आउट होने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जब एल्गर 75 के स्कोर पर थे तब मोहम्मद सिराज की गेंद पर भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया, लेकिन केएल राहुल और खासकर विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा को डीआरएस लेने के लिए काफी कन्विंस किया। विराट जानते थे कि ये आउट है, लेकिन यहां पर रोहित को ऐसे लगा कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है, इसलिए विराट के कहने के बावजूद रोहित डीआरएस नहीं लेते। और जब बड़े स्क्रीन पर रीप्ले दिखाया गया तो फिर क्या, यहां पर विराट सही थे, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था, जिसके बाद विराट रोहित की कप्तानी से काफी निराश दिखाई दिए। रोहित भी अपने आप से काफी नाखुश थे। ये फैसला काफी भारी पड़ गया क्योंकि डीन एल्गर ने इसके बाद 95 रन एक्स्ट्रा बना दिए। दोस्तों क्या टेस्ट फॉर्मेट में विराट को कप्तानी करनी चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।